फिलहाल जा रहे हैं प्रसाद ऋतिका दी के घर देने भावस के साथ। तू गई भी ऋतिका दी के घर कभी? हर मेरे खाने की वीडियो चंचल को भेज देती है। कौन चंचल? मेरी ट्रेनर। अरे शेम शेम हो गया। दूसरी जलेबी। बिल्कुल इसका साइज का भारी इमाम दस्ता है। बड़ी बड़ी मामी की साइज की। साइबर ने आपके गोपाल जी के बर्थडे गिफ्ट दिया है, सरिता पाठक। थैंक यू सो मच सरिता जी। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ड्रेस? पूजा सुपर स्टोर से बिल्कुल परचेज मत करना दोस्तों। पूजा सुपर स्टोर मेरा ब्रांड है, नीचे नंबर आ रहा होगा। तभी तो बोल रहे नहीं परचेज करो। मेरे को मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। ठीक है चाची, ये बंसल वाले फैमिली वाले बहुत चालू। थैंक यू सो मच सरिता जी। बंसल फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लो, इनके बहुत सारे हमारे में नहीं आ रहे हैं वो सब्सक्राइबर्स। आपके गोपाल जी आपने बर्थडे। प्रिया तुमने किस लिए खर्चा करा? मैं मना करने के लिए है। ये प्रिया शादी के बाद घड़ा खर्चा करने लगी। खैर शादी से पहले ही करती थी। लाओ गिफ्ट, तुमने क्या दिया है? इसको क्या दिया है? कुछ नहीं लाई है। हां कुछ नहीं लाई है। मेरा गिफ्ट का कहां? छानी को दिखा। छानी कुछ नहीं लाई है। मेरा गिफ्ट का है। मेरा गिफ्ट का छुपा दिया, ले लेके छुपा दिया। कुछ ना मैंने हां मम्मी ने ले लेके पहले ही छुपा दिया। सबको पता मैं एक ही चीज दिखाती हूँ। मौसी मौसी बहन तेरा गिफ्ट कहाँ है? हम वीडियो में दिखा रहे हैं। मेरा गिफ्ट मौसी तो सीरियस हो गई। मेरा गिफ्ट लाया कहाँ? दिखाऊं मैं? कौन सा लाई हो तो दिखाऊंगा। मेरा सिंहासन बिस्तरा। मौसी कहाँ है? तेरी माँ की छुपा लिया गिफ्ट। उसी आराम से गिरो। मैं लाई हूँ, कहाँ है मुझे क्या पता। हम बचे हुए अभी। पूजा सुपर स्टोर से आएगा गिफ्ट। पूजा सुपर स्टोर कट करो। दिशा इसको देख, कह रही है मैंने क्या इसको धक्का मारा कि गिफ्ट खींच रही है इसे? कुछ नहीं लाई है। हाँ मैं आई, मैंने तेरी माँ को दिया। मम्मी ये तो सब्सक्राइबर्स को भी पता होगा, बड़ी मौसी खाली हाथ दी आएगी। इतना तो वो भी जान गए होंगे। सही है मौसी, तो अपना इमाम दस्ता जरूर बदल दियो। मन की बात थी किसी ने तो बोली। मीरू को दो करेंगे। अरे मैंने दिशा से दो तीन बार कहा, मैंने पैसे रखो हॉस्टल में ले ले अपना। ये तुम्हारा कितने का हुआ? क्या टाइमर? ये क्या बोल रही है? मैं क्योंकि ये हमारी माँ घड़ी गाजियाबाद की, ये नहीं है हमारी घड़ी में 7:45, ये बहनों की घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। वो बहनों की घड़ी है इनकी। हाँ वही ना, जब मर्जी कुछ भी बच सकता है उसमें। इनकी कन्वीनियंस 9:30 बजे हम मेरी घड़ी में तो 8:30 ही बजे। क्या है कौन सी घड़ी बजे? मैं कहा मेरी घड़ी में इतना ही टाइम हो रहा है। कह रहे मेरी घड़ी में हो रहा है इतना टाइम। कह रहे गाजीपुर से ही तेरी घड़ी। मैंने कहा गाजीपुर से ही क्यों है? बड़ा पड़ोस में पड़ोस। सुनो बुराई गाजीपुर वालों की। नहीं वो तो चलता है दिन में 4 दफा। देखो दिन में 4 दफा। चाची चाचा नाम नहीं हो रहा, बदनाम हो रही है मौसी। तो मैं तो सोतेली हूँ। देख नाम हो कभी कोई इंसान बदनाम हो के भी नाम हो तो क्या बुराई है मौसी? ये घबरा के मुझे स्कूल मैं इसके अंदर बैठ के आती हूँ। लक्षिता के कुर्ती डब्बे के अंदर, थैले के अंदर। ऐसे ऐसे बेचारे अपनी हालत बयां कर रहा है। अच्छा तभी मैं कहूँ ये बेचारा लुड़कू पुड़कू क्यों हो रहा है? बहन तेरी कुर्ती आती है ना इसके अंदर। छाछ तो बोले बोले छन्नी भी बोले बहत्तर छेद। तेरी कुर्ती से ही बेचारा इतना बोझ नहीं सह पाता। मैं कह रही मैं बैठ के आती तो कुर्ती कह रही है। तेरी कुर्ती का वजन नहीं संभाल पाता, ये टेंट का वजन नहीं संभाल पाता, तो तेरा क्या सवाल है ये? भावना बुक हो गया? कौन बुक हो गया? कैब बुक हो गया। सामान देख ले कोई रह ना जाए। ये तो हमारे घर है। ये कहेगी देख ना मम्मी, मैं कहा तू भी आती है। फिर क्या है मम्मी? अपने घर ही कंफर्टेबल है। हाँ। सुबह शाम मिलने आ जाएंगे। हाँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं है तुम्हारे घर में। तू अपने घर ही रह। मैं
ना, मेरा घर तो पास में है, मैं तो फिर भी प्रिया की शादी में मैंने क्या किया है, मैं अपने घर से तैयार होके आती थी, मैं बैरी में लेके आई अपना। वो तो आधी गई मम्मी तुम्हारे घर में, ये नहीं है तुम्हारे घर में, बहन मेरे टेंट रही है, पतली पतली कुर्ती आई है, इतनी बड़ी अच्छी हुई है, खाली दो जीन्स और दो पजामे लाई होगी, लाई होगी। टेंट इसमें एक भी नहीं आने का, मेरे तो वो 10 दिन के कपड़े ले जाऊँ मैं इसमें घूमने के लिए। इसने वाली बात करती जाते एक वो होती है मॉडल, वो छोटी बिकनी टाइप कपड़े पहनती है, टेलर की बात आती है, तेरी बहन जी रुमाल सिल लाए क्या, वाली बात इसने करती, टेंट को कपड़े बोल रही है। बताओ ये ओसे इसको ओला बना दिया, ओलेक्स को जितने काले उतने मेरे बाप के साले वाला काम कर, ये सोनी का ना तो यही काम कर दिया, जितने काले उतने मेरे बाप के साले। ये ऐप बहुत डिफरेंट लग रहा है, 2 मिनट में इंस्टॉल कर दिया। तो फ्रेंड्स गाजियाबाद से जीआई ने भेजी है जलेबी, तो कैंडिडेट बहन मत बढ़ाओ, मेरी फेवरेट है, मैं किसी को जलेबी नहीं दूंगी। नहीं जलेबी अच्छी थी, मैंने पहली बार खाई है पनीर जलेबी। मैंने पनीर जलेबी 20 बार खाई है, लेकिन ये वाली मुझे ज्यादा अच्छी लगी। मैं मंगाऊंगी, एक खा लू जाऊंगी ममता, दो खा के करी, एक और खा लू फिर मैं जाऊंगी, इनको पैक करके नहीं दी तो ये खा खा के जाएंगी। तो मौसी आप दोगी नहीं तो यही होगा, तो मैं सामान के चक्कर में लाइन मिलती जीजा दी, मौसी कोई नहीं आप सारी चख लो, सारी चख, सारी चख ले, हाथ लगाई अब यम्मी आलू की सब्जी में उसको उसके बहन तेरी तरह गोल गोल है ये भी, बस चख के जाते हैं। मीनू तो बोल कि मौसी हम आएंगे, तो बहन अब तू कह दे पड़ोसियों को भी ले आना, अपने पड़ोसियों को भी ले आना। 5 किलोमीटर रखी है आप दे रहे थे, ये जीजा जी को शौक है, मैं बोली मैं मेट्रो में क्या क्या ढोके ले जाऊंगी, मैं खुद चली, मैं चली जाऊंगी, 200 रुपए पर हेड दो डब्बा ले जाना पड़ता है, 700-800 रुपए का डब्बा खरीद लो, उसके बाद जाऊंगी अपने, आओ और आ जाओ, इसी का जरूरत है, देखा घर तुमने देख रखा है, जाओ जो तुम्हारे लिफाफे विफाफे कोई मिले डब्बा उब्बा तो इधर पार्सल कर देगा, तो मेरे मायके वालों को तुम क्या करने गई थी सारी, मेरे मायके वालों की क्या करने गई थी तुम सारी, चलो चलो इनकी भी तो मौसी है, तेरी क्या स्पेशल मौसी है, मेरी बहन है बहन, मौसी नहीं है। हाँ तो बहन क्या, अपनी मौसी गई, अब वो कह रही है पड़ोसियों को भी ले आना, वो कह रही है और चले जाओ, सुन लिया ना, समझ में आता है क्यों, तो भाई वो सब छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनका आने समझ में आता है, औरों का आने समझ में नहीं आता, अच्छा हमारा आना समझ में नहीं आता। बहन सुन ले, तेरी बेटी मेरा आना बंद कर रही है, अब तेरे यहाँ अब बेटी चली जाएगी ना, तो अब ये रिकॉर्डिंग ना घर में बुड्ढे बुड्ढे रहेंगे, ये रिकॉर्डिंग जीआई को व्हाट्सएप करूंगा, जीआई देखो मेरे क्या डायलॉग सुनने को मिले, क्या कह रही है बेटी चली जाएगी तब आना, हाँ कह रही है सुन लो, तो मतलब शादी में आए फिर हम, शादी के बाद आए बहन, याद रखियो शादी के बाद जाना, भावना की शादी में जाना, भाजी बहुत स्वाद बनती है, मैं तो शादी में जरूर जाऊंगी, जिनकी कह रही मनो भी कहने की बहन अपनी शादी का डब्बा पसंद कर ले, मैंने कहा बहन मेरी शादी की बारी में, मेरी शादी की पाया, रीति बोली भाई बहुत स्वाद है, आशीष जी से बोली फोटो खींच लो इस डिब्बे की से मंगा के देखेंगे, वो पता नहीं किधर की तरफ से, यूपी की तरफ से, मैंने कहा वो तो ममता ने डिब्बा रही थी तुम्हारे को, वो डिब्बा खाते तो किसी की फोटो नहीं खींचते, मैं भाई मेरी शादी की बाजी ना सिंगर वाले से, अभी ममता जाएगी मैं भी साथ चल जाऊंगी, बहन क्यों जाना है तुझे, डिनर बना के हमें खिला पिला के जाना है, नहीं मैं साथ ही चल जाऊंगी, तेरा भी काम नहीं पड़ेगा, बहन मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तो अब भी लेट जाऊंगी, ये बहन बेटियां बुला रखी है मैंने, ये कल बैठती हूँ तू लेट जाएगी, तो मैं तेरे घर जाती हूँ, तू भी तो सो जाती है, मैं तेरे घर की रखवाली करती हूँ, आज तू मेरे घर की रखवाली कर ली, सोने के टाइम पे जब मेरी नींद आ रही होती है तो भी मना कर दिया कर कि बहन माता मैं सो रही हूँ, मुझसे तू अपने घर की रखवाली कराती है, एक दिन मैं भी तो करवा के देखो तुझसे अपने घर की रखवाली, चिंता लग रही है तेरे साथ साथ इसने भी निकलना है, ये सोच रही है ममता एक घंटा बैठी रहे तो मैं भी एक घंटा और बैठ लूं। सही पकड़े हैं। तुझे तो पैदल जाना है। मुझे अगर पैदल जाना है। इसने ये बात सही पकड़ी है। मैंने यही सोच रखा। इसने यही सोचा कि ममता बैठी रहे तो मेरी इतने धूप निकल जाए। बहन हम दो शरीर एक जान है। तुम चार शरीर और एक जान हो। बहन ये झूठ बोल रही है। तो इसकी बात दिल पे मत लियो। मैं पागल थोड़ा ना दुनिया दी मैं धूप में बाल करना सफेद करे हैं। तू डाई करती है तू बाल? किसी के कहने में आऊंगी मैं, भड़काने में आऊंगी, जो द्वारपा मेरे साथ होता मैं देखती, पहले पता नहीं था वीडियो में सब देखती है मोती, नहीं वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं, मैं वीडियो नहीं देखती,
ये नहीं देखती मेरी वीडियो, बाकी मैं वैसे नहीं पता चलता मुझे, ममता नहीं देखती वीडियो। क्या अत्याचार हो रहे हैं बहन इसके, क्या अत्याचार कर रहे हैं हम दोनों, मुझे क्या पता क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, मैं तो छोटी मैं तो कर नहीं सकती, तू बड़ी बहन है तू ही कर सकती है, अब ये तू सो तू क्या अत्याचार कर रही है, मुझे नहीं पता कि तो क्या अत्याचार हो रहा है, तुम्हें तो शर्म है, तुम मेरे ससुराल वालों के आगे ऐसी बातें कर रही हो, पता कितना द्वारपन करती है, दोनों की दोनों सब देखती है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं बोलती हूँ चोरी चोरी करेंगी उन्होंने, जैसे मम्मी कहती है आजाद छोड़ दो, नहीं तो चोरी चोरी करेंगी, अब जो करना है जो करेंगी वो, तो जाकर तो करेंगी, पता तो चला क्या हो रहा है मेरे पीछे, बहन इतनी गलत फहमी क्यों है इसको बहन को हमारे बारे में, पता नहीं ऐसे तूने क्या ढुको दिया मेरे को, कुछ भी नहीं ढुको, तेरी बहन तो इतनी कंजूस है, मेरे घर में तो कोई ढुक के आया नहीं, इसको कहां से ढुका हुआ दिख गया मेरे घर में, बस एक बार फ्रिज गिफ्ट करा था मैंने बहन लपेट लिया, मैंने लपेट लिया, छोड़ छोड़ ढील दो छोड़ छोड़ मौसी सोची और मैं तो बैठूंगी तेरे साथ जाऊंगी, तेरे को एक डिब्बा फालतू दे दिया तो किलेजू तो करना है, फिर ऐसे 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 करिए, ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे करियो बहन, ऐसे ऐसे अभी बहुत हो जान दो भाई, मैंने गिन के मंगवाए हैं, फालतू नहीं है देने के लिए, इतना मिल गया उसमें संतुष्ट है, हाँ बिट्टू डेरी आप कह रहे हैं, हाँ चल दी है की कैब आ गई है, हाँ बहन जा तभी हम वापिस आ जाए, बिट्टू डेरी तक ले जाए इनको, कैब है, ओके बहन बाय, बाय बहन, एंड बाय बाय फ्रेंड, जा रही है सिसरी, ओके बहन बाय बाय, मुझे तो उम्मीद नहीं, नमस्ते बेटा, खुश रह जाना, तुम भी आग लगा लो, तेरे सब आग लगा रहे हैं, बहन को दे दे तो उम्मीद है, आपको दे दे उम्मीद, लगा लो आग, वो सगी है ना, मैं सोते ही हूं, चलो ओके बाय बेटा, बाय बाय बाय, ऐसी चाय पिलाऊंगी, ऐसी चाय पिलाऊंगी, कोई नहीं मांगेगा दोबारा, टेंशन मत लो, एग्जैक्टली ऐसी दीदी ऐसी चाय पिलाऊंगी, ये दोबारा नहीं मांगो, जैसे निक्कू ने कॉफी पिलाई थी रात को बेचारे को बहुत सुनाया है मम्मी, बहुत सुनाया उनके बेटे को, ये मेरे को चाय बोल देते बनाने के लिए, अब देखो ऐसी चाय पिलाऊंगी, ऐसी चाय पिलाऊंगी, पीते रह जाएंगे लोग, मैं देती हूँ देखो शादी का आशीर्वाद, बाय गोपाल जी मुझे मिला था तू ले ले प्रसाद में बांटी 56 भोग की थालियां बहन बेटियों मेरे को नहीं मिली अभी तक, झूठ तो बोल मत, और ये गोपाल जी के लिए पंखे भी दिए हैं, और ये साथ में पंखे दिए बहन बेटी जिसमें की फ्रेंड्स ये कोई गिफ्ट नहीं ले गई मेरे गोपाल जी के लिए, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अपने भाई के लिए नहीं लाई तो कोई बात नहीं, सही बात है, तो दो ये नेक्स्ट दो ये प्रिया का है, कब से कह रही है कि गोपाल जी मैं, ये प्रिया का है, मैं कह रही मुझे पता 6 नंबर चाहिए 5 नंबर चाहिए, घर पे जाऊंगी ना जिस दिन, मैंने सोचा है मैं गोपाल जी का विराजमान करूँ, सब सब्सक्राइबर्स को पता है कि तेरी मामी इतनी तो कंजूस नहीं है कि तेरे को थाली देगी, इतनी तो उम्मीद उनको भी नहीं होगी, सुनो चाय कैसी बननी है, बड़ी है चीनी बिल्कुल नहीं है, चीनी दीदी की वजह से नहीं है, नहीं चाय सही है, सही है चाय में मिठाई भी कैसी है ना, हाँ इसलिए चीनी कम रखती है, आपको ना तो फीकी लगती ना फीकी लगती वैसी बनाती हूँ, अब सुनो अब शुगर चेक करेगा कितना आया है, डिसाइड कर रही है कि कौन सा खुद रखेगी और कौन सा पहाड़गंज भेजेगी, बज रहे हैं 8:30 एंड मैं वर्कआउट करके आ चुकी हूँ और ऊपर चलते हैं, यार ये मैंने अपना फेस वॉश किया मेरे टीका हट ही नहीं रहा है, आजकल इतना ज्यादा मिलावटी चीजें हो गई हैं।